माँ बहन पत्नी कितने खूबसूरत होते हैं ना ये रिश्ते, मगर ये रिश्ते तब है जब बेटी की अहमियत को समझे, उसे अपनाए। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी शेखावत। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी दिखाने जा रही हूँ जहाँ माँ की ममता तो है पर समाज की तरस नहीं, जहाँ रिश्ते तो है पर उनकी कद्र नहीं। एक माँ की ममता ठीक उसी माली की तरह होती है जहाँ माली अपने लगाए पौधों को पानी के साथ साथ अपने प्यार से भी सींचता है, उसी तरह माँ की ममता अपने खून से अपने बच्चों को सींचती है, 9 महीने अपने पेट में रखकर उसके आने का इंतजार करती है। उसी के कलेजे के टुकड़े को उसी के सामने छीन लिया जाए तो क्या होगा? क्या ऐसे में एक नन्ही सी गली खिल पाएगी, या फिर वो भी दहेज समाज और हमारे पुरुष प्रधान देश की बलि चढ़ा दी जाएगी? तो आइए देखते हैं एक ऐसी ही दिल दहलाने वाली घटना को। सरकार आइए, वर्मा जी आइए। बेटा आप अंदर जाओ। कहो क्या खुशखबरी लाए हो? सरकार वो कुछ लोग आए थे छोटे सरकार के खिलाफ FIR लिखवाने, मैंने उन्हीं को मार मार कर भगा दिया। भाई ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई तुमने। जी सरकार वो लाला जी हुकुम। समझ गया वर्मा जी। सरकार नमस्कार चौधरी साहब। आओ आओ मंत्री, कहो कैसे आना हुआ? अरे चौधरी साहब, सुना है आप दादाजी बनने वाले हैं, तो इसी खुशी में हम आपसे मिठाई खाने आ गए। हाँ मंत्री, मिठाई खिलाएंगे क्यों नहीं, पहले घर का वारिस पोता तो होने दो। लेकिन चौधरी साहब आपको कैसे मालूम कि पोता होगा या पोती? मंत्री बलवंत, छोरे तुझे मना किया है ना, ज्यादा गुस्सा मत किया कर, बेटा ही होगा। और तू यहाँ खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा बहू को डॉक्टर के लेके जा। माँ माँ कुछ करो ना, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। माँ माँ इन्हें समझाओ ना, माँ माँ मुझे इसे जन्म देना है। अब यहाँ खड़ा खड़ा अपनी माँ और बीबी का मुंह क्या देख रहा है? एक बार कहा ना नहीं चाहिए मुझे लड़की, बाहर गाड़ी तैयार है, बहू को लेकर हॉस्पिटल जा। सुनो जी, एक बार फिर सोच लो, बेटियाँ तो लक्ष्मी का। लक्ष्मी लक्ष्मी तो बहुत है इसके बाबूजी के पास, लेकिन उसको संभालने वाला वारिस भी तो चाहिए। पोता चाहिए मुझे, पोता। माँ आप बोलती क्यों नहीं है कुछ? आज तो कुछ बोलो माँ। और आप कुछ क्यों नहीं बोलते? क्या आप इसके बाप नहीं है? आप लोग कुछ करते क्यों नहीं माँ? आप भी तो किसी की बेटी है ना माँ, अगर आप नहीं होती तो ये कहाँ से आते, ये परिवार कहाँ से होता, मैं कहां से आती माँ? और मैं भी तो किसी की बेटी हूं ना माँ, मुझे मेरी बेटी को जन्म देना है माँ, मुझे उसे इस दुनिया में लाना है। बोलो माँ, नहीं जाना मुझे, मुझे बच्ची चाहिए माँ, मुझे बच्ची चाहिए। तू समझाना एक बार बापूजी को। मैं क्या कर सकता हूँ, मजबूर हूँ। अरे पिताजी के सामने किसी की चली है कभी, और ज्यादा बोलूंगा तो हम दोनों को घर से निकाल देंगे, और ऐसी हालत में इसे लेके कहां जाऊंगा? और हाँ
माँ ने वेद जी से बात कर ली है, इस बार वो तुझे पहले ही दवा दे देंगे। क्यों माँ, सच है ना ये? हाँ, इस बार पक्का बेटा ही होगा। चलो अब चलो बेटा। सिस्टर, सिस्टर। यस मैम। इनको ऑपरेशन थिएटर में लेके चलो। चलिए मैडम, चलिए। डॉक्टर, माँ, अरे क्या देख रहा है यार, देख ये तो रोज रोज का काम है, और ये रोना धोना तो यूं ही चलता रहेगा। पर तू क्यों अपना मन छोटा करता है इन सब में? मुझसे नहीं देखा जाता यार, यार जाने अनजाने कहीं ना कहीं हम भी तो इस पाप के भागी बन ही रहे हैं ना। अरे समझा इसे यार, ये ड्यूटी है हमारी, तकलीफ हमें भी होती है, लेकिन क्या करें, विरोध करें उनका, नौकरी छोड़ दें, भूखे मरे, परिवार को कैसे पालेंगे यार। चल अपना काम कर। अरे क्या शोर मचा रखा है, ये हॉस्पिटल है ये। आपका दर्द समझती हूँ, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, हमें नौकरी से निकाल देंगे ये, प्लीज आप लेट जाइए। चलिए लेट जाइए, आपको पता है हम कुछ नहीं कर सकते। हरीश, रवि, हाथ पकड़ो इनका। कल्पना करती हूँ कि आप मुझे अपने हाथों से उठाओगे, मेरी नन्ही उंगलियाँ पकड़कर चलना सिखाओगे। माँ आप मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भाई की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख लूँगी और बड़ी होकर डॉक्टर बनूँगी, आपकी नन्ही गली आपका नाम रोशन करेगी। जब जब खाना खाने के बाद मीठा खा रहे होंगे तब रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूँगी। माँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें, मैं आपके साथ रहकर बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। क्या सोच रहे हैं आप, क्या हुआ होगा? क्या एक नन्ही सी गली खिल पाएगी, या वो भी दहेज, समाज और हमारे पुरुष प्रधान देश की बलि चढ़ा दी जाएगी? वो खूबसूरत दुनिया देख पाएगी? जानने के लिए देखिए नन्ही कली का अगला भाग।